अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब वर्षे सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको रमज़ान की ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। मेरी दुआ है अल्लाह से, जितने भी लोग रोज़ा रखे हैं और जो लोग बीमारी की वजह से किसी कारण से रोज़ा ना रखे, अल्लाह जिससे के सबके रोज़ों को कबूल फरमाएँ। अल्लाह सुबहान व तआला आपकी इबादत को, उनको मेरी आपकी इबादत को, कुरान की तिलावत को, तस्बीहात को, नमाज़ों को कबूल फरमाए अपनी बारगाह इलाही में, और हम सबको आने वाले परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, हादसों से, तकलीफ़ों से, हर वो चीज़ जो नुकसान दे उससे बचा के महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप सबको एक बार फिर ईद की बहुत 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 मुबारकबाद देता हूँ। कैसे आप सब लोग, अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग भी अल्लाह के फजल करम से, मेरे अपने बड़े बुजुर्गों की दुआओं से, आप सबकी दुआओं से हम लोग भी ठीक है। और कैसा चल रहा है, आप लोग के रेसिपीज अच्छे चल रहे हैं ना? शिरकुरमा बनाए नहीं बने? हमारे को तो नहीं पिला रहे हैं आप लोग। चलिए इंशाल्लाह ताला फिर कभी पियेंगे आप लोग उनके हाथ का शिरकुरमा। दुआओं की गुजारिश है एक बार फिर ईद की बहुत 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 दिल की गहराई से आप लोगों सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, समझिए। 2 साल के बाद हम लोगों को मस्जिद जा के तरावी और नमाज़ा पढ़ने की तौफीक मिली है। अल्लाह ने हमें हमारे दुआओं को कबूल फरमाए हैं, हमें अपने घर की दावत दी है, हम लोग सब अल्लाह के घर जाके इबादत की है, और हमें ईद की नमाज़ भी मस्जिद में पढ़ने की अल्लाह ने 2 साल के बाद एक अच्छा मौका दिए। हम लोग इसी तरीके से नमाज़ा पढ़ के अल्लाह को खुश करें ताकि हमारे जो भी मसाइल, जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो सके, अल्लाह राज़ी तो हम लोग सब कामयाब हो सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह फिर एक टॉपिक बना के एक अच्छी अपनी गुफ्तगू करूँगा। आंटी आपको सलाम बोल रहे हैं, ईद मुबारक बोल रहे हैं, आंटी की आवाज़ सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, आप सबके जायज़ तमन्नाएँ पूरी करें, और दुआओं में याद रखिए, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।